वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं मरीन ड्राइव फेज टू फिर से इस बारिश में आप लोगों को बताने के लिए कि मरीन ड्राइव फेज टू खुल जाने वाला है 15 तारीख को। अभी मैं इस जेपी गंगा पथवे के एलिवेटेड पार्ट पे आ चुका हूँ। फेज टू में जो आप गंगा का काम देख रहे हैं सारा पार्ट एलिवेटेड होगा, न कि गाय घाट तक, बाकी दिलदारगंज गंगा तक एलिवेटेड बनाया जा रहा है। दिसंबर 2023 तक इसको पूरी बन के तैयार कर देने जाने की संभावना है। वो गंगा का वाटर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके वजह से काम में थोड़ा इशू आ रहा है। सीएम जैसे यहाँ पे फीता काटेंगे, गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ने लगेगी। लगभग 3800 करोड़ की लागत से 20.5 किलोमीटर लंबा इस मरीन ड्राइव का फेज टू बन के तैयार है और गंगा फेज थ्री का भी काम पूरा हुआ तो यह एलिवेटेड रोड सीधा दिलदारगंज तक जाएगा। और आप लोगों को बता दी, यह आगे से राइट वाला रास्ता सीधा चल जाता है पीएमसीएच की तरफ। और आज हम लोग इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जो मरीन ड्राइव फेज टू से सीधा जाके कनेक्ट होने वाला है नीचे से अशोक राजपथ पे। तो चलिए पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग इस वीडियो में बनाते हैं, तो वीडियो में बने रहें। अब जो है दीघा से लेके गाय घाट तक का सफर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में होने वाला है और गांधी मैदान से लेके गाय घाट सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप लोग पहुंच जाएंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पे ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी आप लोग को जाने वाला है अशोक राजपथ। अगर आप लोग गांधी मैदान से चढ़ते हैं और सीधा गाय घाट की तरफ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गाय घाट ही नहीं, आप लोग अशोक राजपथ पे किस तरफ से जाएंगे तो आप लोग को बता दें। जैसे यहाँ पे आप लोग पहुंचेंगे, यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं पियरिंग का काम हो रहा है और यहाँ पे अभी कुछ दिन में ढलैया भी होने वाला है। तो ये जो कनेक्टिविटी है आप लोगों को सीधा आगे जाके राइट चले जाएगा अशोक राजपथ पे। एंड अभी आप लोगों को बता दें, जैसा मेरे पीछे देख सकते होंगे पुल जो है ऊपर की तरफ उठा है। ऊपर की तरफ उठने का मतलब ये बनता है, जैसा कि आप लोग ड्रोन शॉट में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है मतलब अभी जो है अंडरग्राउंड अंडर पास से बनाया जाएगा यहाँ का कनेक्टिविटी और सीधा एक चल जाएगा अशोक राजपथ। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं गांधी मैदान से आते हैं तो पीएमसीएच की तरफ भी बहुत लोग जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी बनाया जाएगा, आप लोग अशोक राजपथ पे जा पाएंगे। और आप लोगों को बता दें, जिन लोगों को नहीं पता है पीएमसीएच में भी मतलब पहले जैसा कि बोला जाता था कि जो लोग का तबीयत खराब है सिर्फ वो लोग भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है अभी आप लोग पीएमसीएच के अंदर से जा सकते हैं, कोई रोक टोक वहाँ पे नहीं है। और 15 तारीख को ये पूरा खुल जाने वाला है मरीन ड्राइव फेज टू। हाँ, ये अंदर का बात है, बता दिया आप लोग को, आप परेशानी नहीं होने वाला है तो आप लोग जाइएगा। तो इस साइड देख सकते हैं ये यहाँ पे जो ब्रिज बन रहा है, वैसे आप लोग को ड्रोन शॉट में भी देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे काम चल रही है। एंड अगर ये वाला जो लेन चालू करने वाला है गाय घाट तक, इसी तरह उस साइड भी आप लोग जैसा कि ड्रोन शॉट में देख रहे होंगे आप लोग को साफ साफ ब्लैक कलर का ब्लैक टॉपिंग दिख रहा होगा। ये बहुत दिन पहले हो चुका था इसीलिए उतना प्रॉपर आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा। उस साइड अभी नया नया बन ही रहा है, अभी आगे जाके कंप्लीट होने वाला है तो वो ज़्यादा आप लोग को साइन कर रहा होगा तो दिख रहा होगा साफ साफ। इसका मतलब एक लाइन जो चालू कर दिया जा रहा है इसके साथ साथ उस लाइन भी चालू कर दिया जाएगा। और यही अपडेट आप लोगों को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि ये जो कनेक्टिविटी है ये भी कम से कम बहुत जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा और आप लोग अशोक राजपथ पर भी जा पाएंगे। एंड आप लोगों को बता दें मरीन ड्राइव फेज टू से डायरेक्ट आप लोग अशोक राजपथ के ब्रिज पे भी जा पाएंगे, मतलब अब जाम का कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग सीधा गांधी मैदान से या दीघा से चढ़िए और सीधा एनआईटी घाट वाला रोड में आप लोग आ जाइए अशोक राजपथ पे, तो बहुत ही आसान होने वाला है। और यहाँ पे डबल टेकर रोड बन रहा है तो आप लोग डबल टेकर रोड पे भी डायरेक्ट आके कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये है बंसी घाट और बंसी घाट के नीचे से आप लोग को पटना साइंस कॉलेज के पास ये निकल जाने वाला है। एंड अगर आप लोग पीएमसीएच की तरफ से चढ़ते हैं और अगर आप लोग गाय घाट जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप लोग पहुंच जाइएगा। बहुत ही रफ्तार में फराटेदार गाड़ी यहां पे चलने वाली है। ये देख लीजिए यहां पे साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है, ये सीधा चल जाएगा पीएमसीएच की तरफ आइएगा और यहां से यू टर्न लेके आप लोग यहां पे पीएमसीएच नीचे उतर सकते हैं। एंड ये सीधा चल जाएगा आप लोग को गाय घाट की तरफ। ओके सर, तो गाइस आज के ब्लॉग को यही रखते हैं, यही एक छोटा सा अपडेट देने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना थॉट्स।